घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी दुनिया में फैली हुई महामारी से बचने के बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त नुस्खे। दोस्तों, पूरी दुनिया इस बीमारी के प्रकोप से जूझ रही है और इसके कारण अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीमारी के प्रकोप से बचने का एकमात्र उपाय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करना है। नियमित तौर पर साफ सफाई करते रहना बहुत जरूरी है, खास तौर पर हाथ धोना। इन सब के साथ यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है, बहुत अच्छी है, तो आप औरों की तुलना में इस बीमारी के प्रकोप से बचने में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई कारगर उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने शरीर की इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छा, बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही अपने घर और आसपास के वातावरण को इस बीमारी के प्रकोप से मुक्त रख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको तीन ऐसे शानदार नुस्खे बताएंगे जिनका उपयोग करने से, जिनका पालन करने से, जिनका सेवन करने से आप इस महामारी के प्रकोप से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को बचा सकते हैं। पहला उपाय ये है दोस्तों, हर रोज की तरह जब आप सुबह उठते हैं तो पहले फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद आप सीधा किचन में जाएं और किचन में जाएं तो एक गिलास आप गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी में आपको कुछ चीज़ें मिलानी होंगी, जैसे उस गर्म पानी में आपको मिलाना है, तेज गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म आप ले लीजिए पानी। उसमें आप आधा नींबू का रस उसमें डाल दीजिए। हमने ये आधा नींबू का रस इसमें डाल दिया है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरे का पाउडर। ये जीरे का पाउडर है, जीरा आपके घर में जरूर होगा। एक चौथाई चम्मच आप इसमें जीरे का पाउडर डालिए और एक चौथाई चम्मच आप इसमें डालिए, या टेस्ट के अनुसार आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं। हमने इसमें एक चौथाई चम्मच काला नमक लिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, दो चुटकी अजवाइन डालेंगे। दोस्तों, इसमें आप हींग भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यदि आपको इसका स्वाद पसंद है, टेस्ट पसंद है, तो आप इसको मिला सकते हैं और इसमें आपको सिर्फ एक चुटकी हींग मिलाना है। यदि आप मिलाना चाहते हैं तो मिला लेंगे तो ये नुस्खा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और नहीं मिलाएंगे तो भी ये नुस्खा बहुत कारगर है। ठीक है, अब इसको चम्मच से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। इस तरह से किसी बर्तन से, किसी भी प्लेट से इसको ढककर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए रखें और 5 मिनट के बाद इसको हल्का गर्म रहते रहते ही पी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पीना है। ये नहीं कि एक बार मुंह से गिलास लगाया और पूरा पानी पी लिया, इस तरह से नहीं, सिप सिप करके पिए, थोड़ा थोड़ा करके पिए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पहला नुस्खा तो सुबह उठते के साथ ही ये है, इससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया और किसी भी जीवाणु का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, एक तो ये नुस्खा है। दूसरा नुस्खा ये है, आप जब भी सुबह उठे तो नींबू पका पानी पीने के बाद, ये आपने सुबह उठते के साथ ही पीना है, और उसके आधा घंटे बाद आपने दो आंवले, हरे आंवले आजकल मार्केट में काफ़ी उपलब्ध हैं, आसानी से मिल जाते हैं, दो हरे आंवले आपको खाने हैं और इसी तरह से कच्चे खाने हैं, छोटे छोटे पीस आप काट कर रख लीजिए और एक गिलास में थोड़ा सा पानी भी आपके अपने पास रख लीजिए, ताकि ये जब आप खाएंगे तो ये गले में कई बार अटक जाता है, तो उसको निगलने के लिए आपको पानी की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, और यदि गले में नहीं अटकता है तो पानी ना पिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दो आंवले आपको नींबू पानी पीने के बाद ये खा लेने हैं।
तीसरा जो नुस्खा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी करना आप ना भूलें, यह है लहसुन। दोस्तों जब भी आप खाना खाएं, जैसे आपने लंच किया है तो लंच के साथ जैसे आप सलाद खाते हैं तो सलाद में एक छोटा पीस, मीडियम साइज का एक छोटा पीस लहसुन की एक कली ले लीजिए और सलाद के साथ आपने ये एक कली खा लेनी है और खाना भी खा लेना है, ठीक है, सिर्फ इतना करना है। और इसी तरह से जब आप रात को खाना खाएंगे, सोने से करीब 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, जब आप खाना खाएंगे डिनर करेंगे तो इसी तरह से सलाद के साथ में आपको एक लहसुन की कली मीडियम साइज की एक और खा लेनी है खाने के साथ। तो दोस्तों हर रोज आपको ये 3 उपाय करने होंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट होने लगेगा। और इम्यूनिटी सिस्टम यदि आपका मजबूत होगा तो दोस्तों किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया या जीवाणु, किसी भी तरह का संक्रमण यानी इन्फेक्शन आपके शरीर में असर नहीं करेगा, कोई आपके शरीर में एंट्री नहीं करेगा। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और बिल्कुल सेफ रहेंगे और हेल्दी बने रहेंगे और इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। यदि हम दोस्तों इन नुस्खों के नुकसान की बात करें तो इन नुस्खे से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरी एक बात का और ध्यान रखें, सुबह से रात तक नॉर्मल पानी जितना ज़्यादा पी सकें उतना पिएं, इससे आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और आपका शरीर शुद्ध होता चला जाएगा। तीसरी चीज ये है कि दोस्तों जब भी आपको भूख लगे तभी आप खाना खाएं, अन्यथा ना खाएं। और इस बात का भी ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा तली वाली चीज़ें, घी तेल वाली चीज़ें और मैदा से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड और कूल ड्रिंक, इन चीज़ों का सेवन आप ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं और जहाँ टॉक्सिन्स होते हैं वहाँ बीमारी का घर बन जाता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताए गए नुस्खे आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।